वेलकम बैक टू ऑल। सो टुडेज लेक्चर ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 16। ओके, तो अपने 15 लेक्चर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे खत्म हो चुके हैं। 15 लेक्चर इसलिए हो गए क्योंकि एक तो मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया लेक्चर में, कोई लेक्चर मैक्सिमम तुम्हारे पास में 1 घंटे 20 मिनट का होगा। ओके, और बाकी कोई 1 घंटे का है, कोई 1 घंटे 10 मिनट का है, क्योंकि ऑनलाइन देख रहे हो ना, तो अगर रेगुलर ज्यादा टाइम पे देखोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने डिसीजन लिया, पहले तो अपने फिर भी लेक्चर बड़े बनते थे, लेकिन अभी अपने 1 घंटे 20-30 मिनट के लास्ट बनेंगे। ओके, तो अपने 15 लेक्चर खत्म हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में अपने रजिस्टर देखा था, जिसमें कि नेट में इस बार भी क्वेश्चन आपके पास में पूछा हुआ था। ओके, आज अपन टॉपिक देखेंगे काउंटर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये तुम्हारे पास, ये मान के चलिए, कोई ना कोई एग्जाम में तो पूछता ही है, नेट में भी काफी बार, एक बार नहीं काफी बार पूछा हुआ है नेट के एग्जाम में, गेट में भी पूछा है, BARC में पूछा है, जेस्ट में भी सिंपल ही तुम्हारे पास में मोड से क्वेश्चन पूछ लेता है। कोई काउंटर दे देगा, बोलेगा इसका मोड बताइए, इसकी फ्रिक्वेंसी बताइए, इसका टाइमिंग डायग्राम बताइए। तो ये सारी चीजें तो है, अपन काउंटर में देखेंगे। 2 से 3 लेक्चर में इसको अपन खत्म कर देंगे काउंटर को। इसमें अपन दोनों पढ़ेंगे, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस को रिपल भी कहते हैं। सिंक्रोनस तुम्हारे पास में 2 तरह से होते हैं, ठीक है, रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर। उनको भी अपन पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम में भी पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हारे पास जो होमवर्क गिवन था पहले उसको कर लेते हैं। आई होप आप सबने कर लिया होगा क्वेश्चन। ओके, चलिए तुम्हारे पास, देखिए तुम्हारे पास में ऐसे 4 डब्बे दे रखे थे। 4 डब्बे दे रखे थे, मतलब 4 आपको क्या दे रखे थे, फ्लिप फ्लॉप दे रखा था, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास जो फ्लिप फ्लॉप थे वो सारे कैसे फ्लिप फ्लॉप थे, डी फ्लिप फ्लॉप थे। रजिस्टर को जनरल डी फ्लिप फ्लॉप से बनाया जाता है। दिस इज क्यू एन बार, क्यू एन बार, क्यू एन, क्यू एन बार। ओके, यहाँ पे आपके पास सब में क्लॉक पल्स क्या है भाई, सब में साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्स जा रही है आपके पास में। ओके, उसके पास में ये तुम्हारे पास जो था ये किससे जुड़ा हुआ था, इससे जुड़ा हुआ था। ओके, इनिशियली आपको दे रखा था 1010 10, ये आपको इनिशियली दे रखा था। आपसे पूछा था आफ्टर आफ्टर 2060 क्लॉक पल्स आपके पास में जो है आंसर क्या होगा। तो मैंने तरीका क्या बताया था, इन सब फ्लिप फ्लॉप को हटा के 4 बॉक्स बना लो, ठीक है। बॉक्स के अंदर कर लेते हैं अपन, है ना, ऐसे ही तो किया था अपन ने। ये लीजिए, ये मैंने बॉक्स बना लिया। स्टार्टिंग क्या है, अच्छा इसके बाद में देखो फीडबैक, तुम्हारे पास फीडबैक आ रहा है, लेकिन ये नोट गेट से आ रहा है फीडबैक, है ना। फीडबैक आपके पास में नोट गेट से आ रहा है, ये लीजिए, मैंने नोट गेट से फीडबैक को जोड़ दिया है। ओके, ये लीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, आगे आपको क्या बोल रहा है, दिस इज 1010, ये 1010 आपके पास में है। ओके, अब देखिए तुम्हारे पास में आफ्टर इतने क्लॉक पल्स तुम्हारे पास क्या होगा, जैसे ही मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये 0 यहां पे आएगा, ठीक है, ये 1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। ओके, जब मैं सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, तुम्हारे पास इस बार ये 1 जाएगा, ये 1 जाएगा तो इसका नॉट गेट से 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको ऐसे ना बना के, ऐसे बनाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, 1 0, ठीक है। इधर से एंटर करता है ना, ये यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब मैं थर्ड क्लॉक पर अप्लाई करूंगा, इस बार 0 जाएगा, 0 का बार 1 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे शिफ्ट, 1 यहाँ पे शिफ्ट, 1 यहाँ पे शिफ्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये तब तक चलता रहेगा जब तक अपने पास में जो इनिशियल वैल्यू है वो नहीं आ जाती। नेक्स्ट देखिए, ये 1 आपके पास वापस यहाँ पे जाएगा, 1 का बार 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे जाएगा, ये 0 यहाँ पे जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, क्यों हो रहा है, पिछले लेक्चर में बता दिया है ना, ये शिफ्ट रजिस्टर है आपके पास में। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ ये 1 यहाँ पे जाएगा, इस 1 का बार यहाँ पे जाएगा, ये 0 यहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे। सिक्स देखिए, 0 जाएगा, 0 का बार 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, और ये 1 तुम्हारे पास यहाँ पे, 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे। ओके, अभी भी नहीं आया तुम्हें, 1010 चाहिए, ऐसा कोई नहीं आया अभी तक आपके पास में। नेक्स्ट देखिए, सेवंथ क्लॉक पर अप्लाई करता हूं, सेवंथ जब मैं करूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 का बार 0 आएगा, यहाँ पे आपके पास 0 आएगा, और ये 0 यहाँ पे चला जाएगा, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे।
नेक्स्ट एट का मैं क्लॉक पर सप्लाई करूंगा, तो ये जीरो आपके पास क्या होगा, ये जीरो आपके पास यहां जाएगा, इस जीरो का बार वन होगा, ये वन यहां पे आएगा और ये वन यहां पे आ जाएगा, ये जीरो यहां पे, ये वन यहां पे, ये जीरो यहां पे। अच्छा मुझे बताइए, जो कि यहां पे है वही तुम्हारे पास में इनिशियल आ गई क्या? ओके, तो क्या होगा आफ्टर, देखिए आफ्टर एट्थ क्लॉक पल्स आफ्टर एट्थ क्लॉक पल्स आपके पास क्या होगा भाई, आठ क्लॉक पल्स के बाद में इनिशियल स्टेट या इनिशियल कंटेंट, आपके पास में इनिशियल कंटेंट आएगा 1010। तो मैं क्या करूं, 2016 में आठ से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो यहां 16 आएगा, 4 बचेगा, यहां पे 2 आ जाएगा आपके पास में। ओके, दोबारा यहां पे 6 करेंगे, यहां पे 5 आ जाएगा, यहां 6 बच जाएगा, यहां 7, यहां 56, 4 बच गया। ओके, तो क्या करें अपन, तो 257 इंटू 8 करेंगे तो तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा, आफ्टर 2056 तुम्हारे पास में क्या मिलेगा, 1010 ही मिलेगा, सेम स्टेट मिलेगा। सो आफ्टर 2060 क्या होगा, इसमें चार ऐड कर दो, चार का मतलब जो फोर्थ क्लॉक पल्स पे तुम्हारे पास में ये आया था, इसका क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 0101, 0101 आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको, समझ में आ गया ना, आंसर मैच कर लेना अपना। यहां पे ये क्यों आया, क्योंकि जब इसको मैं देखो 8 बार के बाद में सेम आ गया, 16 बार के बाद में से वापस सेम आएगा, फिर 24, ऐसे करते करते तुम्हारे पास में 2056 तक तुम्हारे पास यही आएगा, उसके बाद में 2057 पे ये, 58 पे ये, 59 पे ये, तुम्हें 60 के लिए पूछा है तो तुम्हारे पास में ये आ जाएगा। ओके चलिए इसको नोट कीजिए और फिर अपन आगे करते हैं स्टार्ट काउंटर। हो गया भाई, चले आगे, देखिए आसान टॉपिक था, ओके आसान ही है ना, सारे टॉपिक्स आसान हैं अगर आप टाइमली मेरे साथ साथ चलते हैं, टाइमली उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और ध्यान से समझते हैं तो। ओके, और अगर ध्यान से समझते नहीं हो तो आसान टॉपिक भी आपके लिए बहुत टफ है, कठिन है। ओके, तो बिल्कुल साथ साथ चलना है और कहीं समझ में नहीं आना है तो पूछना है मुझसे। चलिए आगे देखिए, और देखो भाई रिवीजन करना है, जितना रिवाइज कर सकते हो ना उतना रिवाइज कीजिए, रिवीजन बहुत जरूरी है। ओके चलिए, हेडिंग लिखिए काउंटर, काउंटर ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो काउंटर क्या होता है, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, काउंटर क्या करता है, जो क्लॉक पल्स है, नंबर ऑफ क्लॉक पल्स को काउंट करता है, कितनी नंबर ऑफ क्लॉक पल्स है। सेकंड थिंग और काउंटर क्या काम करता है, काउंटर एक ऐसा सिक्वेंशियल सर्किट है, ये टाइमर के यूज में, टाइमर के फॉर्म में भी तुम्हारे पास यूज में आता है, ये फ्रिक्वेंसी डिवाइडर के लिए यूज में आता है, रेडार एप्लीकेशन जो डीआरडीओ यूज लेते हैं, ठीक है, रेडार के अंदर वहां पे भी तुम्हारे पास में जो काउंटर्स हैं वो काम में आता है। ओके, इसके अलावा तुम्हारे पास में जब तुम हॉस्पिटल में, तुमने देखा होगा टीवी वगैरह के अंदर देखा होगा, ओके ईसीजी जो होता है, ठीक है ना, वहां पे जो पल्स रेट होती है, ठीक है, तो वहां पे जो नंबर ऑफ काउंट्स होती है, नंबर ऑफ क्लॉक पल्स होती है, वहां पे भी उसको काउंट करने में काम में आता है काउंटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं काउंटर का, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर होता है, तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है इसके, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, फिर काउंटर्स अपन पढ़ेंगे, टू टाइप्स के होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर एंड ए सिंक्रोनस काउंटर। ओके, सिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं, ठीक है, मतलब इतना देख लेंगे, एग्जाम कोई भी हो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं और काउंटर के बारे में बेसिक नॉलेज भी आप ले लोगे। ओके चलिए लिखिए इसके अंदर, इट इज ए सिक्वेंशियल सर्किट, लिखिए इट इज ए सिक्वेंशियल सर्किट, इट इज ए सिक्वेंशियल सर्किट। सेकेंड लिखिए इसके अंदर, इट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्स अप्लाइड, इट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्स अप्लाइड, क्लॉक
क्लॉक पल्स अप्लाइड। ओके, थर्ड लिखिए इसके अंदर, तीसरा लिखिए, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड, टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक पल्स, ऑफ द क्लॉक पल्स, क्लॉक पल्स। ओके, नंबर फोर्थ लिखिए इसके अंदर, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक पल्स। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक पल्स। भाई जब तुम्हारे पास में टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड। नेक्स्ट लिखिए, इट इज आल्सो यूज्ड इन टाइमर्स। इट इज आल्सो यूज्ड इन टाइमर्स। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, इट इज आल्सो यूज्ड इन रेडार एप्लीकेशन। इट इज आल्सो यूज्ड इन रेडार एप्लीकेशन। ठीक है, तो डिफेंस में काम में लेते हैं, डिफेंस के अंदर, ठीक है ना, वहां पे रडार एप्लीकेशन में यूज में लेते हैं। नेक्स्ट लिखिए, आल्सो यूज्ड इन बायोमेडिकल एप्लीकेशन। आल्सो यूज्ड इन बायोमेडिकल एप्लीकेशन, बायोमेडिकल एप्लीकेशन। नेक्स्ट लिखिए, इट इज आल्सो यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। इट इज आल्सो यूज्ड एन, आल्सो यूज्ड एंड यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। ठीक है, तो ये कुछ काउंटर्स के बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। काउंटर क्या काम करता है, क्यों अपन पढ़ते हैं, इसकी बेसिक एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ काउंटर्स या क्लासिफिकेशन ऑफ काउंटर। हो गया, चलिए मिटा दूं इसको मैं, देखिए भाई मिटा रहा हूं यहां से। हाँ जी, हेडिंग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ काउंटर, क्लासिफिकेशन ऑफ काउंटर, क्लासिफिकेशन ऑफ काउंटर। ठीक है, काउंटर को जनरली तुम्हारे पास में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लिख लीजिए एसिंक्रोनस काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर। एंड सेकेंड लिखिए सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर, फर्स्ट इज एसिंक्रोनस काउंटर एंड सेकेंड इज सिंक्रोनस काउंटर। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है वो लिख लीजिए। आप लिख लीजिए, इट इज डेवलप्ड बाय, फर्स्ट लिखिए, इट इज डेवलप्ड बाय, इट इज डेवलप्ड बाय आइदर जेके फ्लिपलॉप, आइदर जेके फ्लिपलॉप और डी फ्लिपलॉप, और टी फ्लिपलॉप, है ना, आइदर जेके फ्लिपलॉप और टी फ्लिपलॉप। इसमें लिखिए एनी फ्लिपलॉप कैन बी यूज, इसको बनाने के लिए कोई भी फ्लिपलॉप यूज में ले सकते हैं ना। एनी फ्लिपलॉप कैन बी यूज, कैन बी यूज, कोई भी फ्लिपलॉप तुम्हारे पास में काम में ले सकते हैं। सेकेंड लिखिए, सेकेंड लिखिए क्लॉक पल्स इज डिफरेंट, कैसे लिख लो, ऑल फ्लिपलॉप आर ट्रिगर्ड बाय डिफरेंट, बाय सेम क्लॉक पल्स, बाय सेम क्लॉक पल्स, बाय सेम क्लॉक पल्स। ठीक है, कैसे, देखो यहां पे, सॉरी, बाय डिफरेंट क्लॉक पल्स,
क्या है अपने पास में? एसिंक्रोनस है ना, बाय डिफरेंट क्लॉक पल्स, बाय डिफरेंट क्लॉक पल्स, बाय डिफरेंट क्लॉक पल्स। ओके, जैसे तुम्हारे पास में, जैसे आपके पास में मान लो ये तुम्हारे पास में 3 बिट का फ्लिप फ्लॉप है, 3 बिट का फ्लिप फ्लॉप है। ओके, यहां पे आपके पास में मान लो यहां पे तुम्हारे पास टी फ्लिप फ्लॉप है, ये है ना, ये आपके पास में टी फ्लिप फ्लॉप है। ओके, टी आपके पास फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास जब क्लॉक पल्स होगी, दिस इज क्यू, क्यू एन बार, क्यू एन बार, क्यू एन बार, तो एक तो तुम्हारे पास में एक्सटर्नल क्लॉक पल्स होगी, बाकी जो क्लॉक पल्स होगी तुम्हारे पास में वो इसके मतलब प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से मिलेगी आपको, ठीक है, प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से। तो देखो, एक तो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है, इसको बोलते हैं तुम्हारे पास में एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, ठीक है। और बाकी तुम्हारे पास डिफरेंट क्लॉक पल्स है, इसके अंदर क्या होगा, इसमें लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, ऑल फ्लिप फ्लॉप, ऑल फ्लिप फ्लॉप आर ट्रिगर्ड बाय, आर ट्रिगर्ड बाय डिफरेंट क्लॉक पल्स, सेम क्लॉक पल्स, सॉरी, सेम क्लॉक पल्स, सेम क्लॉक पल्स, सेम क्लॉक पल्स। जैसे आपके पास में मान लो कोई ये फ्लिप फ्लॉप दे रखा है, ये मान लो आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप दे रखा है, ओके, किसी से भी बना सकते हैं इसको। तो यहां पे तुम्हारे पास क्यू एन बार, क्यू एन बार, क्यू एन बार, यहां पे आपके पास जो क्लॉक पल्स होगी, ये जो क्लॉक पल्स है ये साइमल्टेनियसली सब में जाएंगी, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली आपके पास सब में जाएगी, दैट इज तुम्हारे पास में सेम क्लॉक पल्स से ट्रिगर्ड करते हैं, दैट इज सिंक्रोनस काउंटर। ओके, ये सिंक्रोनस काउंटर है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, देखो हेयर ओनली अप, आपका मतलब 0 1 2 3, ठीक है, एंड डाउन काउंटर ओनली अप एंड डाउन काउंटर, डाउन का मतलब 7 6 5 4, ठीक है, ऐसे चलेगा, डाउन काउंटर आर पॉसिबल, इसके अंदर क्या होगा, लिखिए अप डाउन एंड रैंडम काउंटर आर पॉसिबल, इसमें क्या होगा, अप डाउन एंड रैंडम, रैंडम का मतलब तुम्हारे पास 7 या फिर ऐसे लिख लो 0 1 5 4 7 6, ठीक है, रैंडम, अप डाउन एंड रैंडम आर पॉसिबल, आर पॉसिबल, काउंटर आर पॉसिबल, ठीक है, ये तुम्हारे पास में क्या होगा, एसिंक्रोनस, वो सिंक्रोनस के अंदर। नेक्स्ट लिखिए, इस काउंटर को, इस काउंटर को तुम्हारे पास में रिपल काउंटर भी बोलते हैं, रिपल काउंटर भी बोलते हैं, और वहां पे तुम्हारे पास में जो सिंक्रोनस होता है, जो तुम्हारे पास में सिंक्रोनस काउंटर होता है, सिंक्रोनस काउंटर होता है, वो तुम्हारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक तो होता है तुम्हारे पास में रिंग काउंटर, एक होता है तुम्हारे पास में जॉनसन काउंटर, एक होता है तुम्हारे पास में जॉनसन काउंटर, ओके, जॉनसन काउंटर, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट एक और लिख लीजिए, ये आपके पास में जो है, देखो एसिंक्रोनस है, इसमें डिफरेंट क्लॉक पल्स होती है, मतलब पहले यहां पे क्लॉक पल्स आएगी, फिर थोड़ा, फिर उसके बाद में यहां पे इसका आउटपुट मिलेगा, फिर यहां से क्लॉक पल्स आएगी, फिर इसका आउटपुट मिलेगा, फिर यहां से क्लॉक पल्स आएगी, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, तो दिस इज स्लो, ये क्या होता है आपके पास में, स्लो होता है, इसमें साइमल्टेनियसली तुम्हारे पास में क्लॉक, मतलब साइमल्टेनियसली सारे फ्लिप फ्लॉप वर्क करेंगे, क्योंकि एक ही तुम्हारे पास में इस क्लॉक पल्स आ रही है, तो ये होता है तुम्हारे पास में फास्ट, ये आपके पास में क्या होता है भाई, फास्ट होता है, ठीक है, ये तो थर्ड, ये आपके पास में फोर्थ, और ये आपके पास में फिफ्थ, ओके, तो ये आपके कुछ बेसिक डिफरेंस हैं तुम्हारे पास सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए इनको, बता देता हूं मैं, काउंटर का क्लासिफिकेशन 2 तरह से किया जाता है, एसिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर।
एसिंक्रोनस काउंटर सबसे पहले बात करूं मैं यहां पे, ये तुम्हारे पास में जेके या टी फ्लिपलॉप से ही बनाए जाते हैं, लेकिन सिंक्रोनस काउंटर में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी फ्लिपलॉप आपके पास यूज में ले सकते हैं। सेकंड चीज, तुम्हारे पास में जो एसिंक्रोनस काउंटर है उसमें जो क्लॉक पल्स होती है वो डिफरेंट क्लॉक पल्स से ट्रिगर्ड करते हैं, लेकिन जो सिंक्रोनस काउंटर है उसमें साइमल्टेनियसली सेम क्लॉक पल्स अप्लाई होती है। ओके, नेक्स्ट, इसके अंदर मैं बात करूं तुम्हारे पास में ये क्या, तो अप काउंटर बनाएगा या डाउन काउंटर बनाएगा, इसके अंदर अप डाउन या रैंडम कोई भी काउंटर पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट, मैं इसकी बात करूं यहां पे तुम्हारे पास में इसको रिपल काउंटर भी कहते हैं। किसको? एसिंक्रोनस को। सिंक्रोनस तुम्हारे पास टू टाइप्स के होते हैं, रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर, दोनों पढ़ने वाले हैं अपन। नेक्स्ट तुम्हारे पास जो फिफ्थ है, ये स्लो प्रोसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें साइमल्टेनियसली सारे फ्लिपलॉप वर्क नहीं कर पाते हैं। जैसे ये वर्क करेगा उसके बाद में इसका कुछ आउटपुट मिलेगा, तो यहां से तुम्हारे पास क्लॉक पल्स मिलेगी, फिर ये वर्क करेगा, फिर उसके बाद में इसका आउटपुट मिलेगा, फिर ये वर्क करेगा। ओके, तो कुछ टाइम डिले होता है, यानी कि एक स्लो प्रोसेस होता है। ये क्या होता है तुम्हारे पास में, साइमल्टेनियसली सब में सेम क्लॉक जा रही है, इसका मतलब साइमल्टेनियसली सारे फ्लिपलॉप वर्क करेंगे। ओके, जब साइमल्टेनियसली सारे फ्लिपलॉप वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये फास्ट प्रोसेस होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन देखते हैं मोड ऑफ ए काउंटर, काउंटर का मोड जो है अपन कैसे पहचानेंगे। पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए तो फिर आगे चलते हैं, देखेंगे यहां पे। मिटा दूं इसको, देखिए हेडिंग लिखिए मोड ऑफ ए काउंटर। हेडिंग लिखिए मोड ऑफ ए काउंटर। मोड ऑफ ए काउंटर, मोड ऑफ ए काउंटर। ओके, लिखिए इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट, मतलब डिफरेंट स्टेट, इसका मतलब विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन डिस्प्लेस्ड बाय द काउंटर, डिस्प्ले डिस्प्ले बाय द काउंटर, डिस्प्ले बाय द काउंटर, डिस्प्ले बाय द काउंटर इज कॉल्ड एज मोड ऑफ ए काउंटर, इज कॉल्ड एज मोड ऑफ ए काउंटर, इज कॉल्ड एज मोड ऑफ ए काउंटर। ओके, नोट कर लीजिए इसको। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट कितनी है विदाउट रिपीटेशन से, ओके मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो आपको क्या होगा मोड ऑफ ए काउंटर। लिखिए इसमें इफ द काउंटर हैविंग मोड, लिखिए इफ द काउंटर हैविंग मोड एक्स मोड वाई एंड मोड जेड एंड मोड जेड आर कैस्केडेड, आर इन कैस्केडेड स्टेट, इन कैस्केडेड स्टेट, देन ओवरऑल मोड इज, देन ओवरऑल मोड इज एक्स वाई जेड, देन ओवरऑल मोड इज एक्स वाई जेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ओके, देखिए इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है तुम्हारे पास में कोई काउंटर रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, वो इस तरह का है, ये कोई काउंटर है जिसका मोड क्या है आपके पास में, मोड एक्स है,
ये मोड एक्स का है, ये कैस्केडेड यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मोड आपके पास में वाई है, ऐसे यहां पे तुम्हारे पास में मोड तुम्हारे पास में क्या है जेड है, ये तरह का, इस तरह का है। ओके, तो क्या होगा तुम्हारे पास में जो टोटल मोड की मैं जब बात करूंगा, टोटल मोड की बात करूंगा तो वो क्या होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये बोल रहा है, नोट कर लीजिए इसको, एक्स वाई जेड। ओके, लिख लीजिए इसके अंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे इसके अंदर, लिखो, ए मोड 78 काउंटर कैन बी, इसरो में पूछा हुआ है, ए मोड 78 काउंटर कैन बी डेवलप बाय, ए मोड 78 काउंटर कैन बी डेवलप बाय, कैन बी डेवलप बाय कैश कैडिंग। ओके, ऑप्शन ए लिखिए, ऑप्शन ए है आपके पास में, सिक्स नंबर ऑफ मोड एंड सिक्स काउंटर, लिखिए, सिक्स नंबर ऑफ मोड एंड सिक्स काउंटर, ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, 13 नंबर ऑफ मॉड एंड सिक्स काउंटर। ओके, थर्ड लिखिए यहां पे आप, 13 नंबर ऑफ मॉड 13 काउंटर, 13 नंबर ऑफ मॉड 13 काउंटर एंड ऑप्शन डी लिखिए, ए मॉड सिक्स एंड ए मॉड 13 काउंटर, ए मॉड सिक्स एंड ए मॉड 13 काउंटर, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसरो में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। देखिए भाई तुम्हारे पास क्या है, टोटल मोड क्या है तुम्हारे पास, कोई एक काउंटर है, कोई एक काउंटर है जो कि कैस्केड स्थिति में है, और तुम्हारे पास टोटल मोड कितने हैं, 78। ओके, अब देखो पहला ऑप्शन बोल रहा है सिक्स नंबर ऑफ मोड एंड सिक्स काउंटर, इसका मतलब क्या हुआ, एक काउंटर का अगर मोड सिक्स है तो छह काउंटर के कितने मोड हो जाएंगे, 6 × 6 × 6 ऐसे करके हो जाएंगे, क्या वो 78 मिल सकता है, 6 6 6 ऐसे 6 बार आएगा, नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गलत। सेकंड देखिए, 13 नंबर ऑफ मोड सिक्स काउंटर, इसका मतलब क्या हुआ, 13 × 13 × 13 ऐसे करके 6 बार आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता 78। नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर ऑफ मोड एंड 13 काउंटर, ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब तो ये हुआ 13 × 13 × 13 ये 13 बार आएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए नेक्स्ट, ए मोड ऑफ सिक्स, ठीक है, कोई एक काउंटर है जिसका मोड कितना है, 6 है, एंड ए मोड ऑफ 13 काउंटर, और एक काउंटर है जिसका मोड कितना है, 13 है, टोटल कितना हुआ, 78, यही तो तुम्हें चाहिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चले आगे, अब देखिए आगे चलते हैं अपन, आगे इसमें चलते हैं, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मोड क्या होता है, वहां पे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट कितनी है वो मोड को बताता है, अगर कैस्केडिंग में जुड़ा हुआ है तो सभी जितने भी काउंटर्स हैं उन सभी काउंटर्स के जितने भी मोड हैं सबको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा वहां पे, उसका टोटल नंबर ऑफ मोड आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे हेडिंग लिखेंगे, लिखो ए सिंक्रोनस काउंटर, हेडिंग लिखिए ए सिंक्रोनस काउंटर, ए सिंक्रोनस काउंटर, ए सिंक्रोनस काउंटर। ओके, लिखिए इसके अंदर, लिखिए इन द ए सिंक्रोनस काउंटर, लिखो इन दिस काउंटर, ऐसे लिख लो, इन दिस काउंटर, देखो भाई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या आप नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे,
नोट्स तो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं लेकिन मैं प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, ठीक है, चाहे जिसको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, क्योंकि दूसरों के नोट्स पढ़ने में कभी भी इंटरेस्ट नहीं आता है। आप एक दो बार पढ़ोगे इंटरेस्ट नहीं आएगा, खुद के अगर नोट्स बनाओगे तो इंटरेस्ट आएगा। ऑफलाइन क्लासों में क्या होता है, आप जाते हो ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, वहां पे क्या एक एक चीज आपको लिखवाई जाती है, वही तो मैं यहां पे कर रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं, एक चीज मैं यहां पे खुद लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर। तो तुम नोट्स बनाइए ना अपने, जस्ट लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए देखते देखते, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाइए, बिल्कुल तुम्हारा बिल्कुल प्रॉपर कोचिंग की तरह ही चल रहा है, जैसे ऑफलाइन कोचिंग के अंदर चलता है। देखिए रही बात डाउट्स की, डाउट्स आप मुझे कॉल करके पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप पे पूछिए, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास में डाउट क्लास का है जो उसमें पूछिए, जो भी है तुम्हारे पास में वहां से पूछ सकते हैं ना। देखिए इन दिस काउंटर ओनली वन फ्लिप फ्लॉप विल बी अप्लाइड, ओनली वन फ्लिप फ्लॉप विल बी अप्लाइड, ओनली वन फ्लिप फ्लॉप विल बी अप्लाइड बाय एक्सटर्नल क्लॉक, बाय एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्लॉक, बाय एक्सटर्नल क्लॉक दैट फ्लिप फ्लॉप विल बी हैव एज दैट फ्लिप फ्लॉप विल बी हैव एज लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB जिसको बोलते हैं, LSB जिसको बोलते हैं, ओके। एंड देखो एंड एडजेसेंट एडजेसेंट फ्लिप फ्लॉप विल बिहेव एज एंड एडजेसेंट एडजेसेंट फ्लिप फ्लॉप विल बिहेव एज MSB, बिहेव एज MSB, ओके, बिहेव एज MSB, नोट कर लीजिएगा इसको। अच्छा अब इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाने वाला हूं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है, बस शर्त इतनी है इधर उधर के काम छोड़ दो, ओके, जस्ट अपने लेक्चर में देखो और अपने नोट्स बनाइए, समझिए उसको ध्यान से देखो। हाँ जी देखो इधर नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहली लिखिए, फर्स्ट लिखिए, इसके अंदर फर्स्ट लिखिएगा, अगर आपके पास में, देखिए लिखिए, अगर आपके पास में क्लॉक जो है, अगर आपके पास में क्लॉक जो है, देखिए अगर आपके पास में क्लॉक जो है वो तुम्हारे पास में क्यू से जा रही है ना, क्लॉक आपके पास में क्यू से जा रही है, ओके, क्लॉक क्यू से जा रही है तुम्हारे पास में, तो वहां पे आपके पास क्या होगा भाई, वहां पे आपके पास वो डाउन होगा, ठीक है, कौन सा काउंटर होगा वहां पे आपके पास में, वो डाउन काउंटर होगा, लिख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, ओके, क्लॉक अगर आपके पास में क्यू से जा रही है तो वो आपके पास में डाउन काउंटर होगा, ठीक है, कैसे समझाना है, देखिए तुम्हारे पास यहां पे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, ये मान लो तुम्हारे पास ऐसा है, बात मैं एसिंक्रोनस की कर रहा हूं, एसिंक्रोनस में डिफरेंट क्लॉक पल्स आती है, एक तो तुम्हारे पास एक्सटर्नल क्लॉक पल्स होती है, यहां पे तुम्हारे पास क्यू एन बार, क्यू एन बार, अभी मैं वन टू नाम नहीं दे रहा इसको, ठीक है, बताऊंगा कैसे देंगे, अगर तुम्हारे पास देखो ये एक तो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है, ये तो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स हो गई, ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे पास में ये डी फ्लिप फ्लॉप है या जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये जेके फ्लिप फ्लॉप मान लेते हैं अपन, ओके, दूसरी क्लॉक पल्स मान लो तुम्हारे पास में ऐसे जा रही है, ओके तो ये देखो क्लॉक पल्स तुम्हारे पास में कहां से जा रही है, क्यू से जा रही है, क्यू बार से थोड़ी जा रही है, क्यू से जा रही है, इसका मतलब दिस इज डाउन काउंटर, ओके, नेक्स्ट लिखिए, सेकंड लिखिए, अगर क्लॉक क्यू बार से जाती है, नेक्स्ट लिखिए, सेकंड लिखिए, अगर तुम्हारे पास में जो क्लॉक है वो अगर क्यू के कंप्लीमेंट से जाती है दैट इज अप काउंटर, तो आपके पास में क्या होगा, अप काउंटर होगा, वो आपके पास में अप काउंटर होगा, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास मान लेते हैं कोई फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज क्यू बार, क्यू क्यू बार, ये आपके पास में एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है, अब तुम्हारे पास में ये ऐसे जा रही है आपके पास में, ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास जब मैं क्लॉक की बात करूं तो किससे जा रही है, क्यू बार से जा रही है, जब क्यू बार से जाएगी तो क्या होगा आपके पास में, अप काउंटर होगा, ओके, नेक्स्ट लिखिए,
हर्ट, तुम्हारे पास नोट लिख लीजिए। देखिए, हाँ जी देखेंगे, इधर थर्ड नोट है आपके पास में। ओके, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू बार, क्यू क्यू बार। ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो इधर, देखो ये आपके पास में मैंने इस बार क्या ले लिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक होती है पॉजिटिव क्लॉक पास, एक होती है नेगेटिव क्लॉक पास। दिस इज नेगेटिव क्लॉक पास। ओके, इसके बाद में मैं क्या करता हूं, देखिए इसको मैं ऐसे ले जाता हूं। ओके, अब तुम में से बोलेगा कि सर ये तो क्यू बार से जा रही है, क्यू बार से तो अप काउंटर होता है, लेकिन ये डाउन काउंटर है। ये क्या है आपके पास में, डाउन काउंटर है। लिख लीजिए यहां पे, क्यू बार का बार इज इक्वल टू क्यू, इज इक्वल टू क्यू क्लॉक। ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास देखो ये क्यू बार है, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये नॉट गेट ही तो है तुम्हारे पास में, दिस इज नॉट गेट। ठीक है, तो बार का बार करोगे तो क्यू बचेगा, इसका मतलब क्लॉक क्यू में से जा रही है। जब क्यू में से जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डाउन काउंटर बोलते हैं। ध्यान से समझ रहे हैं एक चीज को। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये लिख लीजिए, ये बना लीजिए, दिस इज क्यू क्यू बार, क्यू क्यू बार। ओके, अब मैं क्या करता हूं यहां पे, नेक्स्ट वही नेगेटिव क्लॉक पल्स है, इस बार मैं ले जाता हूं क्यू में से। ओके, तो देखिए ध्यान से यहां पे, यहां पे जब आप देखोगे तो जो क्लॉक पल्स आ रही है, क्लॉक पल्स आ रही है वो तुम्हारे पास में क्यू में से जा रही है, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारे पास क्या आ रहा है, इस फ्लिप फ्लॉप में क्या जा रहा है, क्यू बार ही तो जा रहा है, ये क्यू है, ये इसका नॉट गेट हो रहा है, तो इसका मतलब दिस इज अप काउंटर। ओके, ये आपके पास में अप काउंटर होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास सीधा ऐसा होता है, दिस इज पॉजिटिव क्लॉक पल्स, दिस इज पॉजिटिव क्लॉक पल्स। अगर आपके पास में ऐसा होता है, ठीक है, दिस इज नेगेटिव क्लॉक पल्स, दिस इज नेगेटिव क्लॉक पल्स, दिस इज नेगेटिव क्लॉक पल्स। ओके, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं काउंटर का। ओके, चलिए इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। इसमें पांचवा नोट लिखते हैं, पहले इसको नोट कीजिएगा, है ना, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं इसमें। देखिए ये नोट हो गया आपके पास इतना, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नोट करके लिखेंगे, नेक्स्ट नोट करके लिखेंगे, इसमें लिखिए भाई, जो एसिंक्रोनस काउंटर है जनरली उसके अंदर क्या होता है, जो मोड होते हैं, ठीक है, नोट फाइव, जो मोड होते हैं उसको 2 की पावर n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मोड को 2 की पावर n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, दैट इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट, ये तो मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर, ये तो मोड होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास में ध्यान रखना है आपको, यहां पे तुम्हारे पास में जो एन होता है, यहां पे आपके पास जो एन होता है इसको बोलते हैं बिट, इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इतने फ्लिप फ्लॉप आप यूज में लोगे, इतने फ्लिप फ्लॉप आप यूज में लोगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, चले आगे, देखिए आगे देखेंगे। अगर आपके पास देखिए एग्जाम्पल लिखूं, इसका मैं एग्जाम्पल लिखूं, अगर आपके पास में एट मोड बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एट मोड का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3, सो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू 3। तो आपके पास में नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने आएंगे भाई, आपके पास में इसमें
थ्री आएंगे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ओके चलिए हो गया। नेक्स्ट लिखिए नोट सिक्स, छठा नोट लिखिए, इसके अंदर सिक्स नोट लिखिए। देखिए ध्यान से समझोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा जनरली तुम्हारे पास, जरा मुझे बताना इधर, मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे 525 है, 525 है, तो इसमें सबसे बड़ी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट किसको, बिट किसको मानते हो? पांच को। ठीक है, लेस सिग्निफिकेंट डिजिट किसको मानते हो? इस वाले पांच को, इधर वाले को ना, 526 कर लो इसको। तो दिस इज एमएसबी, दिस इज एलएसबी। ओके ऐसा ही तुम्हारे पास में, देखो इसमें एक्चुअली इस बार जो क्वेश्चन आया था ना नेट के अंदर, जो कि रजिस्टर का क्वेश्चन आया था, वो एमएसबी और एलएसबी की वजह से ही बच्चे गलत करके आए हैं। ठीक है, देखिएगा यहां पे ध्यान से, जैसे तुम्हारे पास ये है, ये मान लेता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं, 1010 ये आपके पास है। ओके 1010 ठीक है, तो जनरली क्या होता है आपके पास में, जनरली क्या होता है, दिस इज एमएसबी, ये आपके पास में क्या होता है, एमएसबी, और ये आपके पास में क्या होता है, एलएसबी। ठीक है, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लिख लो चाहे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके अच्छा ये जीरो है इसलिए हो गया ये एलएसबी, ये जीरो है इसलिए एलएसबी हो गया ये, जरा सोच के बताना। ठीक है चलो कोई बात नहीं, नहीं पता लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 0101। अब इसमें मुझे एमएसबी बताओ, अब तो सर एमएसबी ये होना चाहिए, वन बड़ा है तुम्हारे पास ये तो मोस्ट होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, दिस इज एमएसबी एंड दिस इज एल एस बी, जनरली आपके पास ये होता है। लेकिन अब अपन फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, ठीक है, तो नीचे लिखिएगा इसके अंदर इन ए सिंक्रोनस काउंटर, लिखिए इन इन ए सिंक्रोनस काउंटर, इन ए सिंक्रोनस काउंटर जिसमें एक्सटर्नल क्लॉक पल्स जाएगा वो एलएसबी होगा। ठीक है, इन एसिंक्रोनस काउंटर एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स जिसमें जाएगा वो क्या होगा आपके पास में, एलएसबी होगा, वो आपके पास में क्या होगा भाई, एलएसबी होगा। आपको ध्यान रखना है, नोट कर लो इस बात को, इस बात को नोट कर लो। ठीक है, और कभी भी जब अपन नंबर लिखेंगे यहां पे, जब अपन नंबर लिखेंगे तो हमेशा कैसे लिखेंगे, हमेशा कैसे लिखेंगे, एमएसबी टू एलएसबी, है ना, एमएसबी टू एलएसबी तो लिखा जाता है। जैसे तुम्हारे पास में 525 है, आपको पता है ये एमएसबी है और ये एलएसबी है, तो एमएसबी टू एलएसबी लिखा जाता है। ठीक है, 525 नहीं 528 ले लो भाई। ठीक है, तुम कभी ऐसे लिखते हो कि 528 को, इस 8 को पहले, इस 2 को, इसको, ऐसे लिखते हो क्या? कभी नहीं लिखते, संख्या चेंज हो जाएगी, है ना। इस बार क्वेश्चन ही ऐसा आया था, आपको लिखना था एग्जाम के अंदर Q3 Q2 Q1, और तुमने क्या लिख दिया उसको उल्टा, Q1 Q2 Q3, शायद ऑप्शन तुम्हारे पास ये था और तुम ये करके आ गए, ऐसा कुछ था, तो ये तो गलत हो जाएगा ना भाई, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ऐसे नहीं लिखते, हमेशा जो बड़ा होता है उसको एमएसबी इधर लिखते हैं सबसे। देखो यहां पे तुम्हारे पास में, अगर मैं मान लो इसको, ये मान लो तुम्हारे पास में 521 है, ठीक है, अगर मैं इसको सबसे पहले लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, संख्या ही चेंज हो जाएगी। जो तुम्हारे पास में, जैसे ये तुम्हारे पास में 100 वाला होता है, ये तुम्हारे पास 10 वाला होता है, ये तुम्हारे पास में ऐसा होता है ना, इकाई दाई सैकड़ा, ये सब पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एसिंक्रोनस काउंटर में जहां पे एक्सटर्नल क्लॉक पल्स जाती है वो क्या होता है आपके पास में, एलएसबी होता है। जैसे देखो, जैसे कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। देखो मैं समझाता हूं, देखें यहां पे ध्यान से लिखो, देखिए अभी जैसे मैं ये बनाता हूं, ये मैंने बनाया, मान लो ये आपके पास मैंने बनाया, ठीक है, मैंने इसको क्यू नाम दे दिया, इसको क्यू बार, इसको क्यू नाम दे दिया, इसको क्यू बार, ये आपके पास में एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है, ये तुम्हारे पास में इसके आउटपुट से क्लॉक पल्स आपको मिल रही है। ठीक है, अब इतना पता है ये एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है, ये आपके पास में क्या है, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपके पास में, एलएसबी, ये क्या होगा आपके पास में, एमएसबी, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास, इसको क्या नाम दे दूंगा, क्यू वन,
ठीक है, इसको क्या नाम दूंगा, एल एस भी है तो क्यू टू नाम दूंगा, ऐसे और आएगा तो क्या दूंगा, क्यू थ्री दूंगा, ठीक है। लेकिन जब मैं यहां पे लिखूंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा, ये एम एस भी है ना, तो इसको पहले लिखूंगा क्यू टू क्यू वन, मतलब क्यू जीरो भी है इधर, एक और है तुम्हारे पास में, या फिर क्यू थ्री भी है तो क्यू थ्री, इसको लिखने का तरीका ये रहेगा। ओके, क्योंकि तुम्हें कोई बोले 510 लिखिए, है ना, 510 लिखिए, तुम्हें कोई बोले 510 लिखिए, तो तुम ऐसे लिखते हो क्या, 015 ये लिखते हो क्या, ये नहीं लिखता ना, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में एलएसबी एमएसबी की बात हो गई, इसको ध्यान रखना। देखिए, सो काउंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, सो काउंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब अपन इसको काउंट करेंगे तो राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, क्यू टू क्यू वन, इधर क्यू थ्री भी है तो क्यू थ्री क्यू टू क्यू वन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन इसके एग्जाम्पल लेते हैं, अपन दो तरह से क्वेश्चन करेंगे, एक तो अपन खुद डिजाइन करेंगे काउंटर को, ओके, जैसे तुम्हें बोल दिया कि मोड फोर का अप काउंटर डिजाइन कीजिए, मोड फोर का डाउन काउंटर डिजाइन कीजिए, तो डिजाइन करना भी सीखेंगे, और डिजाइन किया हुआ है तो उसके लिए तुम्हारे पास में मानो कोई डिजाइन किया हुआ है, उसमें गेट कौन सा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, वो सारी चीजें अपन सीखेंगे। ओके, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन इसमें आगे चलते हैं, फिर अपन इसके अंदर आगे चलते हैं, ठीक है, देखेंगे आगे। हो गया, ये नोट हो गया, पॉज करके नोट कर लेना भाई, ठीक है, अगर नोट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, पॉज करके नोट कर लेना। चलिए, अब देखेंगे यहां पे ध्यान से, आगे आगे देखना है भाई, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, अभी मैं सिंक्रोनस काउंटर की बात नहीं किया मैंने, अभी मैं ओनली एसिंक्रोनस काउंटर के ही क्वेश्चंस करते हैं, सिंक्रोनस काउंटर के अपन बाद में पढ़ेंगे। ओके, अभी एसिंक्रोनस काउंटर ओनली, ठीक है, आज ये भी फिनिश नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो सिंपल तुम्हारे पास में, और एक पढ़ेंगे आपके पास में जो है, एक तो देखो तुम्हारे पास में क्या होगा, डिजाइन करेंगे, क्वेश्चन बोलेगा इसको डिजाइन करो, एक आपको गिवन होगा और आपको बताना होगा कि वो अप काउंटर है डाउन काउंटर है कितने मोड का है, ये सब आपको बताना होगा, ठीक है, तो दोनों तरह से देखेंगे, फिर अपन देखेंगे रिडक्शन ऑफ स्टेट वाला। ओके, तो चलिए सबसे पहले लिखिए इसके अंदर क्वेश्चन, लिखिए डिजाइन ए मोड फॉर अप काउंटर, क्वेश्चन लिखिए डिजाइन ए मोड फॉर अप काउंटर, मोड फॉर अप काउंटर बाय यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, बाय यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले आप एक काम करना, नोट करके लिख लेना, लिखवा चुका हूं मैं आपको, पॉजिटिव एज, ठीक है, पॉजिटिव एज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव एज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, पॉजिटिव नेगेटिव एज हो गई, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे तुम्हारे पास में पॉजिटिव एज नेगेटिव एज, इसके बाद मैं बात करूं, ये तुम्हारे पास होता है, ये लेवल होता है, ये तुम्हारे पास एज होती है, दिस इज पॉजिटिव एज, ये आपके पास में क्या है, पॉजिटिव, दिस इज ये आपके पास में क्या है, नेगेटिव, ये जीरो है, वन है, जीरो है। तो पॉजिटिव एज में जब तुम्हारे पास में कोई क्लॉक पल्स में पॉजिटिव एज जा रही है, ठीक है, कोई फ्लिप फ्लॉप में पॉजिटिव एज क्लॉक पल्स जा रही है, ओके, तो वो फ्लिप फ्लॉप कब वर्क करेगा, जब आपके पास में पॉजिटिव एज हो, यानी कि जीरो से वन में तुम्हारे पास चेंज हो, जीरो से वन हो, जब तुम्हारे पास में पॉजिटिव एज काम करेगा। ओके, अगर उस फ्लिप फ्लॉप में नेगेटिव तुम्हारे पास एज लग रहा है तो वो फ्लिप फ्लॉप कब वर्क करेगा, जब तुम्हारे पास में क्या हो, तुम्हारे पास में क्या हो, वन से जीरो जा रहा हो ना, वन से जीरो जा रहा हो तो नेगेटिव एज काम करेगा। अभी क्वेश्चन में देखेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए ये बना लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, लिख लिया क्वेश्चन, चलो तो देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको गिवन क्या है, देखो आपको गिवन क्या क्या है वो लिख लो, मोड फोर, ओके, जब मोड फोर है तो मोड को कैसे लिखते हैं, टू की पावर एन, दैट मीन्स टू की पावर टू, एन क्या होता है, एन होता है आपके पास फ्लिप फ्लॉप,
तो यहां पे अपन कितने फ्लिप फ्लॉप यूज में लेंगे, दो फ्लिप फ्लॉप यूज में लेंगे, टू की पावर टू, ठीक है, तो दो फ्लिप फ्लॉप यूज में लेंगे। कौन से फ्लिप फ्लॉप यूज में लेने हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप यूज में ले लिए दो, ये लो जी, ये मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप यूज में ले लिए। नेक्स्ट आपको बोल रहा है क्या बोल रहा है आपको, आपको नेगेटिव एज यूज में लेनी है। ओके, देखिए यहां पे साफ साफ बोल रहा है नेगेटिव एज। अच्छा जी, यहां पे मेरे पास क्यू होगा, ये क्यू बार होगा, क्यू होगा, ये क्यू बार होगा, ठीक है। नेगेटिव एज यहां से मैं एक्सटर्नल क्लॉक पास दूंगा, ये लीजिए मैंने नेगेटिव एज दे दी। यहां से अभी इससे जाएगा देखेंगे। ओके, सेकेंड थिंग, एक्सटर्नल क्लॉक पास जिसमें आता है वो क्या होता है आपके पास में, एलएसबी होता है, क्योंकि ये क्या है आपके पास में, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स है, तो इसको अपन क्या नाम देंगे, एलएसबी 11, 2 हो गया, जीरो से स्टार्ट करना था तो इसको जीरो नाम दे देना, इसको वन नाम दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में देखिए आपके पास में क्या है, अप काउंटर है। अप का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास में क्लॉक पल्स किसमें से जानी चाहिए, तुम्हारे पास में जो क्लॉक पल्स है वो क्यू बार में से जानी चाहिए, ठीक है, अप का मतलब यही तो है भाई, क्यू बार में से जानी चाहिए। तो देखो ऑलरेडी तुम्हारे पास बार लगा हुआ है, कंप्लीमेंट नोट गेट लगा हुआ है, अगर मैं इसमें से भेजूंगा तो क्यू बार का बार क्यू हो जाएगा, इसलिए मैं किसमें से भेजूंगा, तुम्हारे पास में इसमें से भेजूंगा यहां पे। तो देखो यहां पे क्यू में से जा रहा है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, इस फ्लिप फ्लॉप में किसमें से जा रहा है, ये नोट गेट लगा हुआ है तो क्यू बार बना देगा, इसका मतलब तुम्हारे पास में ये बन जाएगा। कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, ये आपके पास में जेके फ्लिप फ्लॉप है, इसको J1K1, इसको J2K2 नाम दे दो, ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा भाई, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास में आउटपुट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। यहां पे तुम्हारे पास में ये जनरली क्या होता है, ये जनरली आपको पास क्या होता है, 1-1, ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, जनरली 1-1 होता है, नोट कर लीजिएगा इसको, इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन में होगा आपके पास में विद अप्लाइड इनपुट इज 1, इनपुट तुम्हारे पास में क्या अप्लाइड है, 1 है, ये क्वेश्चन के अंदर होगा। ओके, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो इसको वेरीफाई भी तो करना है भाई, ये तो तुमने कर लिया, अब इसको क्या करें, अपन वेरीफाई करते हैं ना, इसको वेरीफाई करते हैं, ध्यान रखना दिस इज एलएसबी, क्योंकि ये एक्सटर्नल क्लॉक पल्स इसमें आ रही है, ये एमएसबी, ओके, ये एमएसबी। लिखने का तरीका क्या होगा, पहले एमएसबी लिखा जाता है, फिर एलएसबी लिखा जाता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर अपन इसको वेरीफाई करते हैं। हो गया, देखिए मिटा दो इसको, हाँ जी, सबसे पहले इसको वेरीफाई करते हैं, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं क्लॉक सीएलके, है ना, सीएलके, यहां पे लिख लेता हूं मैं क्लॉक, यहां पे है आपके पास में Q2, यहां पे आपके पास में है Q1। ओके, जब कोई क्लॉक पर अप्लाई नहीं होती, इनिशियल आपको नहीं गिवन है, तो इनिशियल मैंने क्या मान लिया, यहां पे 0-0 है, 0-0 है, ठीक है। अगर चार मोड है तो चार डिफरेंट स्टेट आनी चाहिए, चेक करते हैं, बाकी तुम्हारा क्वेश्चन तो हो गया, तुमने बना लिया, अब इसको वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ही मैं पहली क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, ओके, जैसे ही मैं पहली क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, पहली क्लॉक पल्स अप्लाई करने का मतलब क्या है, आपके पास में मैं 1 से 0 अप्लाई जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव क्लॉक पल्स है, यहां पर कौन सी क्लॉक पल्स है, नेगेटिव क्लॉक पल्स, तो 1 से 0 में होगा। देखो ऐसा ही होता है, ये 0-1-0, ये नेगेटिव होती है, तो 1 से 0 वाला, 1 से 0 अप्लाई कर रहा हूं मैं नेगेटिव क्लॉक पल्स। जब क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो तुम्हारे पास में ये वाला फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, तुम्हारे पास में फ्लिप फ्लॉप तुम्हारे पास क्या होगा, वर्क करेगा। जब फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा इसका मतलब क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा इसका मतलब आपको देखो 1-1 है तुम्हारे पास, ध्यान रखना तुम्हारे पास क्या है, 1-1 है, ओके, आपके पास में ये 1-1 है, या फिर तुम एक काम करो, यहां पे इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं अपन। लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका तो ये होता है Q2 Q1 लिखने का तरीका, अभी लास्ट में लिख लेंगे अपन इसको ऐसे, है ना, Q2 Q1 लिख लेंगे, लेकिन अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यहां पे Q1 Q2 ही लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए समझना इसको ध्यान से, जब पहली क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा मैं, तो जब क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब नेगेटिव क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, तो ये तुम्हारे पास वर्क करेगा।
अच्छा, जेके फ्लिप फ्लॉप में वन वन में क्या होता है, आउटपुट का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो तुम्हारे पास में प्रीवियस का कंप्लीमेंट है ना, क्यू एन बार होता है ना, क्यू एन प्लस वन, तो प्रीवियस कितना है, जीरो, तो जीरो का बार कितना आ गया, वन आ गया। ओके, अब देखिए, अब यहां पे तुम्हारे पास में क्लॉक पल्स सप्लाई होगी, यहां पे तुम्हारे पास क्लॉक पल्स सप्लाई होगी, ध्यान से देखोगे इधर किससे जा रही है, क्यू वन से, ये देखो ध्यान से, क्यू वन क्या है तुम्हारे पास में, जीरो से वन, जीरो से वन क्या होता है, जीरो से वन पॉजिटिव क्लॉक पल्स होती है, अपने को किस में वर्क कर रही है, ये नेगेटिव क्लॉक पल्स के अंदर। तो यहां पे ये फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा, तो जो प्रीवियस है वही रहेगा, यहां पे जीरो ही रहेगा। मैं जो बोल रहा हूं वो लिख लेना, नहीं भूल जाओगे तुम। ओके, अब देखिए, सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूं, सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने का मतलब क्या है, मैं एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, जो नेगेटिव क्लॉक पल्स है, वो अप्लाई कर रहा हूं, तो ये फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। ये जब फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, इसका मतलब प्रीवियस का कंप्लीमेंट, क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप में जब इनपुट वन वन होता है तो आउटपुट प्रीवियस का कंप्लीमेंट आता है, तो वन का कंप्लीमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया क्या। ओके, अब देखिए ये वर्क करेगा या नहीं करेगा किस पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि ये इसकी जो क्लॉक है वो इस पे जो क्लॉक आ रही है वो इससे आ रही है तुम्हारे पास। तो इस बार देखो, तुम्हारे पास वन से जीरो आ रहा है क्या, वन से जीरो का मतलब क्या है, ये नेगेटिव क्लॉक पल्स, इसका मतलब क्या था, ये पॉजिटिव क्लॉक पल्स, तो नेगेटिव क्लॉक पल्स है, इसका मतलब नेगेटिव क्लॉक पल्स ही चाहिए, ये वर्क करेगा, वर्क करेगा, तो इसका मतलब जेके फ्लिप फ्लॉप में जब वन वन होता है तो प्रीवियस का कंप्लीमेंट, तो जीरो का कंप्लीमेंट कितना आ गया, वन। थर्ड में अप्लाई करूंगा, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूं, मतलब नेगेटिव कर रहा हूं, तो प्रीवियस का कंप्लीमेंट वन। ओके, अब देखिए यहां पे ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, सेकंड वाला इस पे डिपेंड करता है, तो ये आपके पास पॉजिटिव क्लॉक पल्स है, इसका मतलब ये वर्क नहीं करेगा, तो सेम आएगा तुम्हारे पास में। फोर्थ है आपके पास में, क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूं, तो प्रीवियस का कंप्लीमेंट, वन का कंप्लीमेंट, जीरो आ गया आपके पास में। ओके, और यहां पे तुम्हारे पास में देखो, वापस तुम्हारे पास ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, नेगेटिव क्लॉक पल्स है, नेगेटिव क्लॉक पल्स है, इसका मतलब इसका कंप्लीमेंट जीरो। ओके, मैं जो बोल रहा हूं वो लिख लेना। ओके, तो देखिए इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा, क्यू टू क्यू वन, सबसे पहले जीरो जीरो, उसके बाद में क्यू टू इधर है, जीरो वन, उसके बाद में वन जीरो, इसके बाद में वन वन, ठीक है, वापस जीरो जीरो, वापस जीरो जीरो। तो डिफरेंट स्टेट कितनी है बताओ भाई मुझे, डिफरेंट स्टेट, ये चार डिफरेंट स्टेट है, ठीक है, दीज आर डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट स्टेट। तुम चाहो तो इसको ऊपर वाले को छोड़ दो, इसको इंक्लूड कर लो, है ना, चार स्टेट आएगी। सो मोड कितना हो गया आपके पास में, चार, इसका क्या हो गया, मोड हो गया, वही तो अपन प्रूफ करना चाह रहे थे, वेरीफाई करना चाह रहे थे। यहां पे एक चीज नोट करके लिख लेना, यहां पे नोट करके लिख लेना, यहां पे देखो क्वेश्चन में आपको नेगेटिव क्लॉक पल्स दे रखा है ना, तो नेगेटिव है तो फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, फ्लिप फ्लॉप वर्क, पॉजिटिव है फ्लिप फ्लॉप नॉट वर्क, फ्लिप फ्लॉप तुम्हारे पास में वर्क नहीं करेगा, इतना सा तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये वेरीफाई हो गया, अभी और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास स्टार्टिंग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझो, नहीं आता है तो फिर मुझसे पूछना। ओके, जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर अपन आगे चलने वाले हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, एक दो बार प्रैक्टिस में आएगा तो बहुत आसान है, ठीक है, बस शर्त ये होनी चाहिए, इनके ऊपर अच्छे से देखो, ठीक है, इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं करवा चुका हूं, कैसे अप होता है, कैसे डाउन होता है, नेगेटिव एज कब वर्क करेगा, पॉजिटिव एज कब वर्क करेगा, कैसे उनका साइन होता है, ये कुछ बेसिक आपको आना चाहिए, फिर आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, लिखिए, डिजाइन ए मोड फॉर अप काउंटर, मोड फॉर अप काउंटर बाय यूजिंग, अब लिख लो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, इसका सॉल्यूशन करता है, सबसे पहले बहुत आसान है, देखो मॉड मॉड फोर, फोर मॉड है, इसको मैं लिख सकता हूं टू की पावर टू, दैट मींस टू तुम्हारे पास में दो फ्लिप फ्लॉप काम में आएंगे। चलिए जी कोई बात नहीं, ये लो मैंने बना दिए पहला फ्लिप फ्लॉप, ये मैंने बना दिया यहां पे तुम्हारे पास में दूसरा फ्लिप फ्लॉप। ओके,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में यहां पे मैं क्यों नाम दे दूं, यहां पे क्यों हो गया तुम्हारे पास, तुम्हारे पास कौन सा है, जेके फ्लिप फ्लॉप है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट तुम्हारे पास पॉजिटिव एज आएगी, ये लीजिए पॉजिटिव एज। अब यहां से तुम्हें अभी बताना है पॉजिटिव एज कैसे आएगा तुम्हारे पास में, क्यू से जाएगा क्यू बार से जाएगा, ये एलएसबी होगा ये एमएसबी होगा, क्योंकि एक्सटर्नल जिसमें जा रहा है वो एलएसबी होता है, दैट मींस ये वन होगा, ये आपके पास में क्या होगा टू होगा। ओके नेक्स्ट देखिए कैसा काउंटर है भाई, ये अप काउंटर है, अप काउंटर है, अप का मतलब क्या होगा, क्यू बार में से क्लॉक जाएगा, क्यू बार में से क्लॉक जाएगा, ठीक है, इसका मतलब नीचे वाले से, क्योंकि पॉजिटिव एज है ना, इसमें से आपके पास में क्लॉक जाएगा, यही तो आएगा या और कुछ आएगा तो आप बता दीजिए भाई ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में है कि आपको विद इनपुट वन वन ये आपको लेके चलना है, वन वन। ओके और कुछ बच गया क्या इसके अंदर, क्लॉक भी हो गई तुम्हारे पास में, ये वन वन इनपुट भी हो गया तुम्हारे पास, ये आउटपुट भी हो गया, ये जेके भी हो गया, इसको वन वन नाम दे देना, इसको टू टू नाम दे देना, ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया, नोट कर लीजिए इसको, चेक करते हैं आपके पास में, वेरीफाई करते हैं इसको, यहां पे लिख लीजिए क्लॉक, यहां पे लिख लीजिए क्यू वन, यहां पे लिख लीजिए क्यू टू। ओके जब कोई क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या मानता हूं, जीरो जीरो, नो क्लॉक पल्स, नो क्लॉक पल्स, ठीक है, जैसे ही मैं पहली क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, पहली क्लॉक पल्स अप्लाई करने का मतलब क्या है, मैं पॉजिटिव क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल है अपने हाथ में है। ओके तो पॉजिटिव क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, जेके में वन वन होता है तो आउटपुट प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट, तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा। अब देखिए क्या अपने पास में ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा क्या अपने पास में, चेक करो, ये होता है तुम्हारे पास में जीरो वन, ये होता है आपके पास में, ओके जीरो, ठीक है, आपके पास क्या हो रहा है, जीरो से वन, पॉजिटिव एज का मतलब क्या है, जीरो से वन, ठीक है, तो देखिए तुम्हारे पास में ये जीरो से वन है क्या, ये आपके पास में क्या जीरो से वन तुम्हारे पास जा रहा है क्या, देखेंगे ध्यान से तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो देखो भाई ध्यान से समझो इसको, इसका मतलब क्या हुआ, Q1, Q1 तुम्हारे पास, देखो इधर देखो ध्यान से, Q1 आपके पास जीरो से वन आ रहा है, पॉजिटिव है, लेकिन क्लॉक पल्स तुम्हारे कहां से जा रही है, क्यू बार से, लिख लो यहां पे, क्यू तो तुम्हारे पास में जब पहली क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो ये जीरो से वन जा रहा है जो कि सही है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, क्यू बार से, क्यू बार क्या हो जाएगा, वन से जीरो हो जाएगा, इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप नॉट वर्क, नॉट वर्क, क्योंकि वन से जीरो क्या होती है, नेगेटिव एज होती है, और अपने यहां पे पॉजिटिव एज लेके चल रहे हैं, तो ये वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब यहां पे सेम रहेगा, जीरो रहेगा। सेकेंड क्लॉक पर सप्लाई करता हूं मैं, देखो सेकेंड क्लॉक पर सप्लाई करता हूं मैं, एक्सटर्नल कर रहा हूं मतलब पॉजिटिव ही करूंगा, तो ये वन का क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, तो वन से जीरो ये क्यू में जा रहा है, सो क्यू बार में कितना हो जाएगा, जीरो से वन हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, यहां पे वन से जीरो से वन किस में है, क्यू के अंदर, तो अगर मैं क्यू बार की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, वन से जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस वाले में जीरो से वन है तो ये वर्क करेगा मतलब जीरो का बार वन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है आपके पास में, थर्ड वापस क्लॉक पर अप्लाई कर रहा हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रीवियस का बार वन हो जाएगा, ठीक है, जब ये वन हो जाएगा तो ये तुम्हारे पास जीरो से वन पॉजिटिव एज है, क्यू में तुम्हें क्यू बार से देखना है, वन से जीरो काम नहीं करेगा, सेम रहेगा। ओके फोर्थ देखिए, समझ में आ रहा है ना, ओके फोर्थ देखिए आप, चौथा देखिए, यहां पे जैसे क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा वन का बार जीरो, ठीक है, वन से जीरो तुम्हारे पास क्या है, वन से जीरो आपके पास में क्यू बार है, सॉरी क्यू है, वन से जीरो है ना, क्यू है, ओके तुम्हें क्यू बार से देखना है तो जीरो से वन हो जाएगा, जीरो से वन में पॉजिटिव एज हो जाएगी तो काम करेगा, वन का बार वापस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल लिखने का तरीका क्यू टू क्यू वन, जीरो जीरो है उसके बाद में जीरो वन, वन जीरो, वन वन, जीरो जीरो, तो टोटल डिफरेंट स्टेट देखनी है तो पांच में से डिफरेंट स्टेट कितनी है, चार है, इसका मतलब क्या हो गया, मॉड फोर का अप काउंटर ये तुम्हारे पास में बन गया, इसका मतलब सही बनाया है तुमने, ठीक है, नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। हो गया, चले आगे।
ऐसे तुम्हें वेरीफाई करना है, ठीक है? तो वेरीफाई आपको करना आना चाहिए। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। मिटा दूँ इसको, मैं इसको मिटा रहा हूं भाई, है ना? इसको देखो मिटा रहा हूं यहां से, आगे चलते हैं। देखिए देखिए, डिजाइन ए मोड 8 डाउन काउंटर, लिखिए डिजाइन ए, डिजाइन ए मोड 8 डाउन काउंटर, डाउन काउंटर मोड 8 डाउन काउंटर बाय यूजिंग पॉजिटिव एज, बाय यूजिंग पॉजिटिव एज, बाय यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप, ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप विद इनपुट, विद इनपुट जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1। ओके, ये आपको करना है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन करें। देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है मॉड 8। मॉड 8 का मतलब 2 की पावर 3, इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप आपके पास कितने यूज में आएंगे? 3। तो 3 तुम्हारे पास ऐसे बॉक्सेस बना लो, ये नाम ही है बॉक्सेस। ओके, वैसे ये क्या होते हैं? फ्लिप फ्लॉप है, ध्यान रखना भैया ना। ये लीजिए भाई। ओके, दिस इज क्यू, क्यू बार, क्यू क्यू का कॉम्प्लीमेंट, क्यू क्यू का कॉम्प्लीमेंट। यहां पे जे के। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कितने, 3 फ्लिप फ्लॉप ये बना लिया मैंने। ओके, कौन सी एज लेनी है? पॉजिटिव एज लेनी है। तो यहां पे मैं एक्सटर्नल तो दे सकता हूं, ये मेरे पास आ गया। अब डिपेंड करता है क्या? डाउन काउंटर, ठीक है? देखिए डाउन है, इसका मतलब तुम्हारे पास जो क्लॉक जाएगी वो किस में से जाएगी? क्यू बार में से जाएगी, ठीक है? क्यू बार में से जाएगी, पॉजिटिव एज है। तो चलिए कोई बात नहीं, सीधा तुम्हारे पास में ये चला जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी को, है ना? देखिए डाउन काउंटर का मतलब ये। अच्छा, डाउन काउंटर में किस में जाती है क्लॉक भाई? डाउन काउंटर में वह देखना, डाउन काउंटर के अंदर बात में क्यू में से जाती है, क्यू में से, ठीक है? तो ये क्यू में से जाएगी, ये गलत हो गया आपके पास में, क्यू में से जाएगा, ठीक है? तो देखिए यहां पे ये क्यू में से आपके पास जाएगा। ओके, ये आपके पास क्यू में से जाएगा, ठीक है? डाउन में तुम्हारे पास किस में से जाती है? क्यू में से जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये एलएसबी होगा, बाकी एमएसबी होगा। तो यहां पे मैं J1 K1, यहां पे मैं J2 K2, यहां पे मैं J3 K3, ये आएगा आपके पास में, कि इसके आउटपुट हो जाएंगे, ठीक है? इनपुट में तीनों के इनपुट में, है ना, आपके पास में जो तीनों इनपुट है, तीनों इनपुट है वो 1 1 है। साफ साफ लिख रखा है क्वेश्चन में, इनपुट 1 1 है आपके पास में, ठीक है? तो ये आपके पास में मोड 8 का डाउन काउंटर विथ पॉजिटिव एज डिजाइन कर दिया। ओके, ये मैंने डिजाइन कर दिया भाई, ठीक है? नोट कर लीजिएगा इसको, नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन कठिन नहीं है भाई, है ना? चीजें बहुत आसान है, बस बिल्कुल प्रॉपर वे के अंदर चलिए, और कुछ प्रॉब्लम नहीं आए तो पूछना फिर मुझसे। चलिए जी आगे देखते हैं इसके अंदर। देखिए मिटा दूं इसको, हाँ
हाँ जी देखेंगे इसके अंदर, इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, इसको अपन वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, दिस इज क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्लॉक है, ओके। फर्स्ट कोई क्लॉक पर सप्लाई नहीं करता हूं मैं। देखिए ध्यान रखना, डाउन काउंटर है, अभी नोट करवा के लिखवा दूंगा, डाउन काउंटर है, तो इनिशियल आपको क्या मानना है, वन वन वन। अगर तुम्हारे पास में अप काउंटर है तो आप उसको क्या मानोगे, जीरो जीरो जीरो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है भाई, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं जैसे ही पहली क्लॉक पर सप्लाई करता हूं, ओके, पहली क्लॉक पर सप्लाई की, यानी कि पहली क्लॉक पर मैंने कौन सी अप्लाई की, पॉजिटिव क्लॉक पर, तो ये वर्क करेगा, ठीक है। प्रीवियस का बार, तो वन का बार कितना हो जाएगा, जीरो, ओके। वन का बार कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखिए ये तुम्हारे पास वन से जीरो आ रहा है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यही तो होता है, जीरो से वन, तो जीरो से वन ये वर्क नहीं करेगा क्यू टू, तो ये सेम रहेगा, ठीक है। ये भी तुम्हारे पास वन से वन ये वर्क नहीं करेगा, सेम रहेगा। सेकेंड क्लॉक पर सप्लाई करूंगा तो जीरो का बार वन, इसका मतलब ये वर्क करेगा, ठीक है, ये वर्क करेगा इसमें से क्लॉक पर। अब ये वर्क कब करेगा, जब ये क्लॉक पल्स तुम्हारे पास में पॉजिटिव ए होगी, तो ये तुम्हारे पास जीरो से वन क्या है, पॉजिटिव वाली है, तो ये वर्क करेगा, तो वन का बार जीरो, वन से जीरो जा रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारे पास में नेगेटिव क्लॉक पल्स है। और फ्लिप फ्लॉप कब वर्क करेगा, जब पॉजिटिव क्लॉक पल्स हो, तो ये वर्क नहीं करेगा, ये सेम आएगा। थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो वन का बार जीरो, ये वर्क नहीं करेगा, तो तुम्हारे पास सेम रहेगा, जीरो पे जीरो, ये भी वर्क नहीं करेगा, सेम रहेगा। फोर्थ अप्लाई करूंगा तो क्या होगा तुम्हारे पास, देखिए फोर्थ अप्लाई करूंगा तो ये जीरो का बार वन, क्योंकि ये तो हमेशा वर्क करेगा, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल अपन पॉजिटिव ही दे रहे हैं, ओके। जीरो का वन ये वर्क करेगा, इस बार पॉजिटिव आ गया तो ये वन हो जाएगा, ये भी वर्क करेगा तो ये वन का बार जीरो आ जाएगा। फिफ्थ तुम्हारे पास में, फिफ्थ क्या होगा, देखिए यहां पे ये वर्क करेगा वन से जीरो, वन से जीरो में वर्क करेगा क्या, नेगेटिव एज है, नहीं करेगा, सेम रहेगा। ये भी तुम्हारे पास नेगेटिव, ये भी तुम्हारे पास में क्या है, पॉजिटिव एज नहीं है ना, जीरो से वन आना चाहिए, तो ये सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए जीरो का वन, तो ये वर्क करेगा, जब ये वर्क करेगा तो वन का बार कितना हो जाएगा, जीरो, वन से जीरो नेगेटिव एज है, ये वर्क नहीं करेगा, तो ये सेम रहेगा। सेवन देखिए तुम्हारे पास में वन का बार कितना हो जाएगा, जीरो, ये नेगेटिव एज है, वर्क नहीं करेगा, तुम्हारे पास में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये भी तुम्हारे पास वर्क नहीं करेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो वही तुम्हारे पास इनिशियल स्टेट अभी नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वर्क करेगा जीरो से वन, जीरो से वन है तो ये भी वर्क करेगा, ये भी वन आ जाएगा, ये भी वर्क करेगा तो ये भी तुम्हारे पास वन आ जाएगा, ओके। तो देखेंगे तुम्हारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना दू, यहाँ पे बना देता हूँ क्यू थ्री, लिखने का तरीका ये है क्यू टू क्यू वन, ओके। तो देखिए पहला क्यू थ्री क्यू टू क्यू वन कितना है, फर्स्ट क्या है भाई, यहां से स्टार्ट किया अपन ने वन वन वन, फिर बाद में वन वन जीरो, उसके बाद में वन जीरो वन, उसके बाद में वन जीरो जीरो, उसके बाद में जीरो वन वन, उसके बाद में जीरो वन जीरो, उसके बाद में जीरो जीरो वन, इसके बाद में जीरो जीरो जीरो, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो टोटल तुम्हारे पास देखो यहां से चला और ये वापस वन 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 लिखना तो लिख दो, यहां से चला और यहीं पे आ गया, तो दोनों सेम वाली नहीं लिखेंगे, तो टोटल कितनी स्टेट हो गई, आठ हो गई। चेक करो ये डाउन काउंटर है क्या, तो देखो यहाँ पे नंबरिंग दोगे तो नंबरिंग इसको जीरो थोड़ी देंगे, इस बार नंबरिंग देखो कैसे देते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इसको कैसे देंगे, वन इंटू टू की पावर जीरो प्लस वन इंटू टू की पावर वन प्लस वन इंटू टू की पावर टू, कितना हो गया, एट। तो इसको नंबरिंग कितने देंगे, एट। ऐसे इसकी चेक करोगे तो जीरो इंटू टू की पावर जीरो, फिर वन इंटू टू की पावर वन टू, और ये तुम्हारे पास में, सॉरी यहां पे तुम्हारे पास सेवन आएगा भाई, सेवन, इसका तुम चेक करोगे सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो, ठीक है। तो टोटल स्टेट तो आठ हो गई, मोड एट हो गया। अगर तुम, मैंने डाउन में क्या बताया था, ऐसे चलता है सिक्स फाइव फोर थ्री, ऐसे चलता है वो डाउन होता है, जीरो वन टू थ्री फोर चलता है वो अप होता है, तो दिस इज डाउन काउंटर, ये वेरीफाई अपन ने कर लिया, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलो आगे देखते हैं।
चलिए भाई आगे देखते हैं इसके अंदर, ये हो गया। देखो आगे देखते हैं, अब आपको मैं एक क्वेश्चन इसके लिए घर से दे रहा हूं, ठीक है, होमवर्क आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए आप करेंगे। और पहले इससे पहले मैं एक नोट करवा के आपको एक चीज दिखवाता हूं, लिखिए नोट करके लिखेंगे। देखिए फॉर अप काउंटर इफ इनिशियल स्टेट इज नॉट गिवन, नोट करके लिखिए, इंपॉर्टेंट है। पहला लिखिए फॉर अप काउंटर, फॉर अप काउंटर इफ इनिशियल स्टेट इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, इफ इनिशियल स्टेट इज नॉट गिवन देन इनिशियली इनिशियली 0 0 0 अपन ये मान के चलेंगे, ठीक है। लिखिए फॉर डाउन काउंटर इफ इनिशियल स्टेट इज नॉट गिवन देन इनिशियली क्या मानेंगे अपन, 1 1 1, ये आपको मानना है, ठीक है, अगर ये इनिशियली नहीं गिवन है तो। ओके नोट कर लीजिए इसको, हो गया। अब आगे देखते हैं, अब आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको होमवर्क करना है। लिखिए डिजाइन ए मोड 8 अप काउंटर, क्वेश्चन फर्स्ट होमवर्क। ओके आपको डिजाइन भी करना है, वेरीफाई भी करना है, ठीक है। लिखिए डिजाइन ए मोड ऑफ, डिजाइन ए मोड 8 काउंटर, डिजाइन ए मोड 8 अप काउंटर बाय यूजिंग अप काउंटर बाय यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिपफ्लॉप, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिपफ्लॉप, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। एंड विथ, लिखिए विथ इनपुट जे बराबर के बराबर 1 एंड आल्सो वेरीफाई, एंड आल्सो वेरीफाई, आपको वेरीफाई भी वो करना है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। हो गया, देखो एक क्वेश्चन और देखो जल्दी से। हाँ जी एक क्वेश्चन और देखेंगे, देखिए द इनिशियल स्टेट ऑफ मोड 16 काउंटर, क्वेश्चन लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए द इनिशियल स्टेट ऑफ मोड 16 डाउन काउंटर, ऑफ मोड 16 डाउन काउंटर इज 0 1 1 0, इज 0 1 1 0। ओके व्हाट स्टेट विल बी इट, व्हाट स्टेट विल बी इट, व्हाट स्टेट विल बी इट बी आफ्टर 37, बी आफ्टर 37 37 क्लॉक पल्स। ओके ऑप्शन ए लिखिए, इनडिटरमाइंड, ऑप्शन बी लिखिए यहां पे 0 1 1 0, ऑप्शन सी लिखिए 0 1 0 1 एंड ऑप्शन डी लिखिए यहां पे, ऑप्शन डी लिखिए यहां पे 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। एक काम करो, ये तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड होमवर्क है। ओके नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। तो आज के लेक्चर में अपने पास इतना ही है,
काउंटर नेक्स्ट अपन देखेंगे रिडक्शन ऑफ स्टेट क्या होता है, कैसे तुम्हारे पास में उसमें गेट को पहचानते हैं, कैसे तुम्हारे पास में उन काउंटर्स को डिजाइन करते हैं। जैसे मोड 7 बोल दिया, मोड 5 बोल दिया, तो 2 की पावर में नहीं आता ना ये, तो इसको अपन कैसे डिजाइन करेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।